कमल दादा जहां भी होंगे आज तेरा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि उनकी चिमने ने कमाल किया। मुझे पूरा यकीन है तूने खुद से किया डॉक्टर बनने का वादा, तू जरूर पूरा करेगी। सही, चल खाना खा ले बेटा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, चल उठ। नहीं, अरे आप जाके खाओ। सही, ऐसे थोड़ी होता है, चल खाना खा ले जल्दी से। चल बेटा, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं खाने पर, चलो। सही बेटा, चलो नीचे, खाने का टाइम हो गया है, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। आज तो हमारी सही के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्यों सही? हाँ, इसलिए सबके साथ मिलकर खाना खाना है तुम्हें। आज हम हमारी सही की खुशियां बांटना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बांटने से आनंद बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, क्यों उषा ताई, बरोबर है ना? आई, बरोबर आई, मुझे भूख नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आज का खाना तो भूख मिटाने के लिए है ही नहीं, तुम्हारे रिजल्ट की खुशियां मनाने के लिए है। तो चलो, शिवानी, तुम्हारी शिवानी बुआ ने तुम्हारे लिए गुड़ गुड़ पूरन पोली बनाई है, चलो खाओ। सही भाभी, ये क्या, आप अभी भी यहीं बैठी है, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? सही भाभी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज चलिए, मेरे पेट में तुम चूहे ब्रेक डांस कर रहे हैं, प्लीज चलिए ना। आप लोग प्लीज जाइए ना, आप लोग खाइए, मुझे सच में भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सही, क्या हुआ? देखो बेटा, सब लोग तुम्हारी खुशी की खातिर क्या क्या कर रहे हैं, तुम्हारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, फिर भी तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या बात है? राहत सर कुछ बोले क्या? वो क्या बोलेंगे, उन्हें तो बस धोखा देना आता है, झूठे धोखेबाज। कमाल है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ और जो भी यहाँ पे आ रहा है सही को लेने के लिए वो यही रुकता जा रहा है। सही, जल्दी चल, मैंने तेरे लिए ना मस्त पूरन पोली बनाई है, चल। बुआ जी प्लीज, मुझे नहीं आना। सही, तुम भी ना, क्यों है? आई प्लीज, अब मत बोलिए मुझे बार बार चलने के लिए, मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मैं नखरे कर रही हूँ। ठीक है, नहीं बोलती तुझे नीचे आने को, लेकिन एक बात बता दे, इतनी मेहनत से जो मैंने खास तेरे लिए पूरन पोली बनाई है, अब मैं उसका क्या करूं? ऐसे ही इधर देख, क्या हुआ है तुझे, क्या परेशान कर रहा है तुझे? मैं तो बुद्धू हूँ ना, इसलिए मुझे कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है। तू और बुद्धू सुन रहे हो भाई? नहीं एक बात बता, जो लड़की पूरे स्टेट में टॉप कर रही है वो बुद्धू कैसे हो सकती है? पता है कितनी बड़ी बात है, टॉप 10 में रैंक आई है और वो भी इतने टफ एग्जाम में, ऐसे कैसे तू खुद को बुद्धू बोल रही है? सही, आखिर क्या बात है बताओ, विराट से झगड़ा हुआ? काकू, उसकी तो सही भाभी को आदत पड़ चुकी होगी। करिश्मा, आपके पेट में जो ये ब्रेक डांस कर रहे हैं ना चूहे, आप उन पर ध्यान दो, और ये ज्यादा बच्ची सी पांडे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही, वो क्या है ना, विराट दादा पर ऐसे ही भड़कती रहती, बिना मतलब झगड़ती रहती ना उनसे। हाँ तो इसमें की करने की क्या जरूरत है? मस्त मस्त, नीचे सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ सब गप्पे मार रहे हैं। चव्हाण निवास में खाने का ऐसा अपमान कब से होने लगा? हाँ देखो ना काकू, आज सही भाभी के लिए खास तौर पर लंच बना है, और ये है कि यही बैठी है, नीचे ही नहीं आ रही। अब ये खाना नहीं खाएंगी तो सब कैसे खाएंगे? मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि अगर इस घर में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी वजह बस ये सही है। क्या हुआ तुझे, खाने से मना क्यों कर रही है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए, अच्छे अच्छे नंबर जो लेकर आई है तू, फिर मुंह फुला कर क्यों बैठी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने का ऐसा अपमान करने की? हाँ मुझ में बहुत हिम्मत है, जिसको देखो मुझे ही समझाता रहता है, कोई मेरी बात तो समझता ही नहीं है। अरे सही सही सही, मैं समझती हूँ ना, मैं बिल्कुल समझती हूँ तुम्हारी बात, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी गुस्से की वजह है भूख। देखो सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है ना, पेट खाली है इसलिए बड़बड़ा रही हो। मैं तो पागल हूँ ना, इसीलिए सब मुझे बेवकूफ बना के झूठ बोल के चले जाते। सही,
बड़ों से तमीज से बात कर बेटा, और ऐसे गुस्से में चिढ़ के सबको कमल दादा के परवरिश पे उंगली उठाने का मौका मत दे। मैंने किसी को मौका नहीं दिया आपकी परवरिश पे उंगली उठाने का, और ना ही हक। श्री, क्या है? मैं सई की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। अभी उसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अब थोड़ी देर के लिए उसे अकेले छोड़ दो ना। मैं देखती हूँ। सही, एक बात बोलो बेटा, ये रिश्तों की डोर होती है ना, ये बड़ी नाजुक होती है। अपने पल भर के गुस्से की वजह से उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो टूट गई ना तो बिना गांठ के जुड़ नहीं सकती। देखो तो घर के सारे लोग कितने प्यार से तुम्हारे इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं, और तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। मैं तो जो आखिरी बार पूछ रही हूँ सही, तू मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाएगी या नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़की को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जिसे बहस और झगड़े के कड़वे लड्डू खाने पसंद हो उसे पूरन पोली क्या हजम होगी। चला सगड़े। कम से कम ये तो बता सही, वो क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है? हाँ हाँ सही, क्या हुआ? तू कुछ बोल रही थी तो कौन तुम्हें बेवकूफ बना के गया? कौन है वो? विराट। ओ, तो आप विराट दादा से गुस्सा है? हाँ हो सकता है कि उन्होंने आपसे वादा किया होगा कि वो आपको बाहर ले जाएंगे, मूवी दिखाने ले जाएंगे, खाना खिलाने ले जाएंगे, और अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, गायब। करिश्मा, विराट ऐसे वादे कभी नहीं कर सकता, खास करके इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। इसी ने कुछ जिद की होगी कि वो आपको क्या लगता है आप सबको कि मैं थोड़ी हिली हुई हूँ? मैं विराट सर से जिद करूंगी कि मुझे पिक्चर दिखाने लेके जाए, और अगर उन्होंने ये जिद पूरी नहीं करी तो मैं इसे मुंह बुला के बैठ जाऊंगी। आप लोग प्लीज मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज प्लीज। ए लड़की, ये घर हमारा है, जिसका जहाँ जी चाहेगा रहेगा। तुम मत बताओ कि कौन तुम्हें कहाँ कब अकेला छोड़े। ठीक है, ये आप लोगों का घर है, मैं बाहर से आई हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़कर। सही, आज तुम अपनी मर्यादा लांघ रही हो बेटा। अब समझी, कांटे का झाड़ उगाओगी तो खरोच ही आएगी। आज तो तुम्हारी सही ने तुम्हारा भी लिहाज नहीं किया। आपको मुझसे क्या तकलीफ है, आज बता ही दीजिए काकू। बड़ी मामी, खाना सही। चुप कर सही, पागल हो गई हो क्या? ये कोई तरीका है बड़ों के साथ बिहेव करने का? तुम पीछे हटो, तू रोके बात करो वहीं से। नहीं बुआ जी, छोड़िए। आप मुझे बताइए, आप मुझे इतने ताने क्यों मार दिए? मुझे सिर्फ ताने मारने नहीं आते, मुझे नहीं बताइए क्यों मार दिए ताने? पागल होगी ये लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता। चट छोड़, नहीं छोड़ूंगी, पहले बताइए। छोड़, आने दे विराट को, आज उसे भी पता चलेगा कि उसकी ये टॉपर बीवी पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हाँ ठीक है, तुम उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। कौन सा झूठ? सही, ये सब क्या हो रहा है? आओ विराट, आज तो तुमने छुट्टी ली है ना, तुम्हारी इस बीवी को पागल खाने में भर्ती करके आओ। पूरी तरह से हिली है ये लड़की। हाँ नहीं, वो मेरा मतलब है, अब देखो ना विराट दादा, आज सही भाभी की वजह से सब भूखे, और मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।
लेकिन लगता है आज पूरे दिन उपवास ही करना पड़ेगा। देख इसको वीरू, पता नहीं क्या हो गया है, किस बात पे इतना गुस्सा किए चले जा रही है। बुआ मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ है। क्या